आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने तेजी के बाद एक सीमित दायरा होते हुए देखा है बिनौला खल में, फिर गिरावट भी बनते हुए देखी जो नीचे में 3000 तक गई थी, लेकिन वहां से देख रहे हैं कीमतों को थोड़ा सपोर्ट मिला है और कीमतें एक बार फिर से 3200 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल यहाँ से एक बार फिर से निचले स्तर दिखाएगा या फिर यहाँ से सीमित दायरा रहेगा और फिर धीरे धीरे तेजी बनना शुरू होगी? देखिए, बिनौला खल के ऊपर मेरा नजरिया, आपको याद होगा जब ये 3400 के आसपास की ट्रेड कर रही थी, उस वक्त मैंने आपको यही कहा था कि बिनौला खल के अंदर मुझे इन स्तरों पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। उसकी एक साफ वजह भी है, क्योंकि देखिए ये पशु आहार है और पशु आहार को एक सीमा से जब ऊपर वो स्ट्रेच करता है तो उसके अंदर जब तक दूसरा खली उसको सपोर्ट नहीं करे तब तक उसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। उदाहरण के लिए यदि आप सरसों की खली देखें या सोया खली देख लें या बाकी जो ऑयल सीड से जो खली निकल रही है वो भी उनके दामों पर यदि आप नजर रखेंगे, उसके आधार पर यदि कपास खली की प्राइसिंग को एवलुएट करेंगे तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कपास खली के अंदर मैंने हमेशा यही कहा है कि जब तक आप बाकियों को नहीं मूल्यांकन करेंगे और एक तरफा या तेजी या एक तरफा मंदी की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक सारगंभित या व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। जहां तक कपास खली का सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो सकता है और नीचे स्तर के ऊपर खरीदने का जब समय आएगा हम आपको बिल्कुल अलर्ट करेंगे। और ये बहुत अच्छे दाम हैं जो किसानों को कारोबारियों को मिल रहे हैं, क्योंकि कपास खली जो 2200-2300 से चलनी शुरू हुई और वो अब 3400 रुपए के आसपास पे आके यदि कोई भी कारोबारी मुनाफा नहीं वसूल करता है कुछ तो मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि महंगा आएगा महंगा बिकेगा, सस्ता आएगा सस्ता बिकेगा। कारोबारियों को ये नजरिया रखना चाहिए, जो मुनाफा आता है उसको पहले अपना अपने कब्जे में करना चाहिए, चाहे वो 100% ना करें तो 40% 30% कुछ मुनाफा ले लेना चाहिए। यही मेरा नजरिया होता है और ये व्यापार की दृष्टि से उचित भी होता है। तो कपास खली के अंदर आज मुझे कुछ कमजोरी की संभावना नजर आ रही है और आने वाले कुछ समय के अंदर 2-1 महीने का 3 महीने का जो नजरिया रखेगा उसके लिए भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज कपास खली के अंदर मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। ये अखिलेश जी तो यानी कि कर्नल अजय जी के मुताबिक आज कपास खली में हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, थोड़ी कमजोरी की संभावना बनती नजर आ रही है एस्ट्रा फाइनेंस के मुताबिक। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।